नमस्कार, मैं अवनी चौधरी अल्पप्रकाश टीवी से। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय के बाहर, जहां पर बीजेपी वालों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि कल यहां पर कुछ मकान तोड़े गए थे। वैसे तो इन्हें अनुमति 3 मंजिल मकान बनाने की दी गई है, लेकिन ये दूसरी मंजिल मकान बनाने के लिए भी इनको पैसे भरने पड़ते हैं और इनको एप्लीकेशन की गुहार लगानी पड़ती है, तब जाकर ये मकान बना सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनको भी तोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कुछ महिला बैठी हुई मटरी भी छील रही हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तब तक ये धरना प्रदर्शन यहीं करेंगे और यहीं खाना बनाएंगे और यहीं सोएंगे। और इसी के साथ साथ जानेंगे इनकी और क्या क्या मांगे हैं और क्या मकसद है इसकी। Yes. सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप यादव है। मेरा मकान नंबर है 1861 है। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों शादीशुदा है, उनके 4-4 बच्चे हैं। जनाब ऐसे है, एक मकान में दूसरी मंजिल नहीं डाल सकता, ऊपर मैंने चादरें डाल रखी है। क्यों? कि डर के मारे में बनाऊंगा ये लोग तोड़ जाएंगे। और जो लोगों ने खरीदे हैं मकान, वो आज 4-4 मंजिल डाल ली है रिश्वत लेके। और मेरे को जो मकान लाट हुआ है झुकी उसे, मैं डर का मारा नहीं बना सकता हूँ। तो मेरी हाथ जोड़े की अपील है, मेरे 3 बच्चे हैं, हम 10x10 के मकान में कैसे गुजारा होएगा? तीन लड़के हैं, चलो लड़की तो शादीशुदा है, वो तीन के बच्चे हैं, उनके दो दो तीन तीन बच्चे हैं, वो कहाँ सोए और कहाँ रहे हैं? ये बहुत देर से चल रहा है जी, बहुत काफी। जो पैसे देते हैं उनका बनवा देते हैं, फिर बाद में ये लोग टुड़वा देते हैं। अब डर के मारे मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मजबूर आदमी हूँ। जो कर्जा किससे लेके बनाऊंगा भी तो तोड़ देंगे तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी गुहार ये है कि मेरे को मकान बनाने दो, लोगों को तीसरी मंजिल, जिसके बच्चे हैं लाट खरीदे वाले के ये पैसे लेके बनवा देते उनका टोड़ा जाए, जिनको लाट मिलते हुए हैं उनके से नजायजी कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय के बाहर कुछ महिलाएं मटर छीलती आ रही हैं, उनसे पूछते हैं उनकी धरने के दौरान क्या मकसद है और क्या इनकी मांगे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। मैम, आपका नाम? गीता चौहान। गीता चौहान जी, आपको क्या मकसद है इस धरने के दौरान, क्या मांगे आप? ऐसे है जी, हाउसिंग बोर्ड वालों ने काफ़ी सालों से हमें तंग करते आ रहे हैं और अभी दिवाली के टाइम भी इन 12-13 मकानों का नोटिस लेके आ गए तोड़ने के लिए कि तुमने इलीगल बनाया है। ये हर बार यही बोलते हैं। इनके अफसर आते हैं, हम लोगों से पैसे खा जाते हैं, उसके बाद जब नया अफसर आता है फिर दोबारा से ये डिमांड करते हैं पैसे की, अपनी जेबें भरने की कोशिश की जाती है। दिवाली के टाइम भी हमने इनसे अपने जो हमारे वहाँ के पार्षद हैं विनोद अग्रवाल जी हैं, उनको बोला कि ऐसे ऐसे घर तोड़ने आ गए थे, 12-13 मकानों की लिस्ट थी इन लोगों के पास। और जब उन्होंने हमने उनको बोला तो उनके रिक्वेस्ट पे तब ये रुक गए थे, लेकिन जैसे ही नया साल चढ़ा फिर ये दोबारा से। कल एक विडो लेडी है, उसने उसका मतलब पूरे उसके हस्बैंड नहीं है, उसने जो उसका हस्बैंड की कमाई थी उसे घर बनाया था, इन्होंने तोड़ दिया। जब हमारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के श्री जो रामवीर भट्टी जी हैं वो वहाँ पे आए, उनको रोकने की कोशिश की तो उनको जबरदस्ती इन्होंने उठा के पुलिस वालों ने गाड़ी में डाल दिया, अरेस्ट कर लिया। तो उनके समर्थन में हम लोगों ने भी 100-150 लोगों ने अपने आप को पुलिस के सपोर्ट कर दिया। हमारी एक हम बोलना चाहते हैं कि हमारे जो कॉलोनी वाले हैं 10x12 गज के मकान हैं, जब हमारी फैमिलीज बढ़ती हैं, बच्चे बड़े होते हैं, उनके लिए हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, तभी ये लोग हमें आके नोटिस देते हैं। और जब इनको थोड़े बहुत पैसे खिला दिए जाते हैं तो कहीं पे तो इतना ज़्यादा नजायज बना उसको बनने देते हैं, पैसे जेब में डाल के। कहीं थोड़ा सा भी बना होता है या कोई रंग रोगन कराता है या 20-21 साल हो गए रिपेयर का, हम थोड़ा सा भी रिपेयर करवाते हैं, थोड़ा सा भी सीमेंट अगर घर के बाहर या रेता की कोई रेडी देखेंगे वहीं पर ये नोटिस भेज देते हैं। इन्होंने अपने जो बंदे छोड़े हुए हैं काम करने के लिए नहीं, सिर्फ नोटिस भेजने के लिए छोड़े हुए हैं। नोटिस की आड़ में ये लोग रिश्वत खाते हैं हम लोगों से। जो लोग रिश्वत दे देते हैं उनके नोटिस कैंसिल हो जाते हैं, जो नहीं दे पाते बेचारे उनके ये घर तोड़ते हैं। कल इन्होंने ऐसा ही बहुत शर्मनाक कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी के जो विनोद पार्षद के इतना अरदास करने पर, रिक्वेस्ट करने पर भी इन्होंने वो काम नहीं रोका, उल्टा उनको ही उठा के उसमें हिरासत में ले लिया पुलिस वालों। मैम, आपकी मांगे क्या है? मांगे यही है कि अगर जब ये कुछ नया निर्माण होता है तब आप रोकिए, तब आप नोटिस दीजिए, ठीक है? जो पुराने हो रखे हैं
ये उनको भी नोटिस दे रहे हैं। क्या हम अपने घरों को पेंट नहीं करा सकते? क्या हम सफेदी नहीं करा सकते? 20-21 साल हो गए हैं, 15 साल बाद तो कोई गाड़ी की को भी गवर्नमेंट द्वारा टैक्स लेती है रिन्यू करने का, हम लोगों को रिपेयर करने का हक नहीं है? जब वो गिर जाएगा, जब कोई हादसा हो जाएगा, तब मीडिया इकट्ठी होगी, तब ये लोग कहेंगे जी हमारा तो कोई हाथ नहीं था। मैम आज आप लोग ये खाना बना रहे हैं यहाँ पर, ये मटर छीलने, इसका क्या कल से यहाँ धरना दे रहे हैं लेडीज हम रात को घर चले गए, सुबह हम फिर आ गए हैं, कल पूरा दिन हो गया हमें, आज भी हम यहीं बैठेंगे, रात को भी यहीं बनाएंगे और नहीं खा रहे हैं बैठ के। जेंट्स लोग सारे गद्दे में जाके रात को यही सोए हैं, लेकिन इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है, बिल्कुल भी इनको सुन नहीं रहा है। इन्होंने अफसर सही बना रखी है, बस जेबें भरने के लिए जब भी आता है, 2-3 साल बाद के नया अफसर आता है, हमें बोला जाता है नया अफसर, हमें लगता है नया अफसर आएगा शहरों में, उम्मीदें जागती है हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ये जैसे ही नया अफसर सीट पर बैठता है, इन्हें नोटिस भेजने शुरू कर देते हैं। मतलब आपकी मांगे नहीं माने माने नहीं नहीं जाएंगे तो आप यहीं पर सोएंगे? हाँ जी, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे। ऐसे भी तो हमने बेघर कर दिए, छतें तोड़ दी, सारा घर तोड़ा, आप जाके देखो वहाँ पे पूरा घर तोड़ा। वो विडो लेडी इतना विलाप कर रही थी, चार हमारे जब हमारे नेता अरेस्ट हुए, हम अरेस्ट हुए, तब भी इन्होंने तोड़फोड़ शुरू रखी, जारी रखी, बंद नहीं किए, इतना होने के बावजूद भी कितने लोग धरना दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। और सरकार को बदनाम करते हैं, बीजेपी को, भारत की तुम्हारी सरकार है, तुम्हारे लोग करवा रहे, हमारे लोग नहीं करवा रहे, ये जो गवर्नमेंट जॉब पे बैठे हुए हैं, ये जो अफसर बैठे हैं, ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। और भाजपा पार्टी को बदनाम करते हैं कि तुम्हारे अफसर बैठे हैं, तुम्हारे करा रहे हैं। ठीक है सर, आपका नाम? रामवीर भट्टी है। रामवीर भट्टी जी, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये किस रिगार्डिंग हो रहा है? रिकॉर्डिंग तो जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, जो धक्के शाही कर रहा है चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड के मकानों में रहने वाले, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग हो, जो उनके साथ धक्का शाही हुई, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ये प्रदर्शन नहीं, धरना कर रही कल से, कल से धरने पे है और अनिश्चितकाल के लिए धरने पे है। पार्टी के सभी आप देख ही रहे, सारे जिला अध्यक्ष हैं, मोर्चू के मंडल के सारे लोग, अभी थोड़ी संख्या इसलिए कम है कि आज नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव है, सब लोग वहाँ गए हुए हैं, तो अभी सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। और हम सब लोग इसलिए बैठे कि चंडीगढ़ की जनता के साथ जो हाउसिंग बोर्ड के अंदर ये अधिकारी बैठे, इनके इतने भी संवेदनशीलता इनके अंदर नहीं है। सर्दी का मौसम है, सर्दी कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही इस टाइम, हार्ड कंपाती सर्दी पड़ रही इस टाइम, उसके बावजूद भी जा करके जो लोगों के मकान और घर, किसी के मकान, किसी का घर, किसी का दीवार, किसी का छज्जा, उनको तो ये तोड़ रहे, वो दिखते हैं भाई ये तो अवैध निर्माण है, पर इनको ये नहीं दिखता कि जो यहाँ पर 7 सेक्टर में इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, ये अब इतनी बड़ी बड़ी सरकारी कोठियाँ हैं, ये इनके अंदर इतना अतिक्रमण है, वो इनको अतिक्रमण दिखाई नहीं पड़ता क्या? ये इसलिए दिखाई पड़ता कि यहाँ किसी के घर जा नहीं सकते, किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं कर सकते, ये बैल नहीं मार सकते, गरीब आदमी का जा करके तेरा ये अवैध निर्माण है, तेरा ये है, जाएंगे जेब में कुछ डाल देंगे 2-4 हज़ार 5 हज़ार नहीं है, उसके बाद वापस आ जाएंगे, 2-4 महीने बाद नोटिस भेज देंगे, नोटिस के बाद दूसरे बंदे को भेज देंगे। अब ये सारा ये जो हाउसिंग बोर्ड है चंडीगढ़ की जनता के ऊपर, हाउसिंग बोर्ड नहीं है, चंडीगढ़ के जनता के ऊपर हाउसिंग बोर्ड का बोझ है, ये बोझ है ये, और इस बोझ को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय किया कि आप रोज तीसरे दिन ये नोटिसबाजी जो हो रही है, ये नोटिसबाजी बंद करो, ये तोड़फोड़ बंद करो, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ऐसे ही कुछ खबरों को जानने के लिए बने रहिए अनप्रकाश टीवी पर, मैं अवनी चौधरी, कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।